हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका दोबारा से जनरल रिव्यू में। फिर से आपका स्वागत है जनरल रिव्यू में दोस्तों। आज की वीडियो दोस्तों मैं लेके आई हूँ आपके लिए, आपके बालों के लिए एक होम रेमेडी लेके आई हूँ। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा डल ड्राई, रूखे, बेजान हो गए हैं, बिल्कुल शाइनिंग नहीं है, शाइनिंग बिल्कुल चली गई है, तो आपको दोस्तों बड़ी ईजी रेमेडी मैं आपको देने वाली हूँ, जिससे आपके बालों में वापस से शाइनिंग आ जाएगी, आपके बाल स्मूथ हो जाने वाले हैं, और साथ ही साथ दोस्तों एक अलग से नेचुरल जो बालों की अंदरूनी शाइनिंग है वो भी वापस आएगी। क्योंकि जो दोस्तों हमारी रेमेडी है वो बिल्कुल ही ऑर्गेनिक होने वाली है, नेचुरल होने वाली है, और साथ ही साथ दोस्तों केमिकल फ्री जो आप प्रोडक्ट का यूज़ बार बार अपने बालों में कर रहे हैं, जैसे कि आजकल आपको पता है सारे ही जितने कंडीशनर हैं, मोस्टली कंडीशनर्स में, मोस्टली शैम्पूस में केमिकल दोस्तों आ रहे हैं, तो इन केमिकल्स को बार बार यूज़ करके हमारे बालों की जो अंदरूनी चमक होती है वो चली जाती है और बाल बहुत ज़्यादा लॉस में चल जाते हैं दोस्तों। इसी तरह दोस्तों बालों के डे बाई डे दोस्तों बाल डैमेज होते रहते हैं। अगर आप साथ ही साथ इन शैम्पू और कंडीशनर के साथ ही साथ इस तरह की होम रेमेडी अप्लाई करते हैं अपने बालों में, तो ट्रस्ट मी गाइस, आपके जो बाल हैं वो बैलेंस रहेंगे, ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे और ना ही वो बहुत ज़्यादा रूखे, बेजान, डल और ड्राई होंगे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बड़ी सिंपल सी रेमेडी है, बड़ी सिंपल टू इंग्रेडिएंट्स हैं। मेरी जितनी भी रेमेडी होती है दोस्तों उसमें ज़्यादा से टू इंग्रेडिएंट्स होते हैं या फिर बहुत ही इजी इंग्रेडिएंट होते हैं जो आपको घर पे ही मिल जाते हैं। तो पहला जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें इसके लिए चाहिए वो हमें चाहिए चावल। जी हाँ, चावल सभी के घर में होता है और साथ ही में होता है दोस्तों मेथी दाना। तो हमें मेथी दाना यानी फेंग्रिक, तो हमें क्या करना है दोस्तों, रात में हमें लेना है आधी मुट्ठी चावल का दाना। आधी मुट्ठी चावल दोस्तों हमें ले लेना है और इसे पानी में भिगा देना है। उसके बाद दोस्तों हमें करना क्या है, उसके बाद हमें तीन बड़े चम्मच या दो बड़े चम्मच लीजिए या तीन छोटे चम्मच आप मेथी दाना ले लीजिए, उससे उसी ही पानी में हमें दोस्तों डाल के ओवरनाइट दोस्तों हमें इसको सोक कर देना है चावल को, और सुबह उठकर दोस्तों जो इसका पानी होगा उसको हमें छान लेना है। उस पानी को दोस्तों या तो हम स्प्रे बॉटल में भर के रख सकते हैं, तो आप अपने बालों में स्प्रे कर सकते हैं, जड़ों में स्प्रे करिएगा, ध्यान रखिएगा, ऑल ओवर बालों में स्प्रे करिएगा, जड़ों में स्प्रे करिएगा, और अगर आप स्प्रे बॉटल का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप सिंपली एक बाउल में उसे लेकर आप हाथों से या फिर रुई से आप उसे इस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह अप्लाई करने के बाद दोस्तों आपको उसको छोड़ देना है कम से कम 30 मिनट के लिए। 30 मिनट के लिए दोस्तों इसको इजीली आपको ड्राई होने देना है, और ड्राई होने के बाद आप किसी भी नेचुरल शैम्पू से, जी हाँ मैं रिपीट करना चाहूँगी, नेचुरल शैम्पू से आप अपने बालों को धोइएगा, जिससे कि आपके बालों में जो आपने अपने बालों को थोड़ी सी स्ट्रेंथ दी है नेचुरल ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स के साथ, वो ख़राब ना हो जाए। तो नेचुरल कोई शैम्पू लीजिएगा। अगर आपके पास नेचुरल शैम्पू नहीं है तो फिर आप जो नॉर्मल शैम्पू आते हैं उनसे भी धो सकते हैं, लेकिन मुझे बेटर ये लगता है कि आप नेचुरल शैम्पू को यूज़ करिएगा। नेचुरल शैम्पू के साथ दोस्तों आपको 30 मिनट बाद अपने बालों को धो लेना है, और बालों को धोने के बाद आपको बिल्कुल भी गीले बालों में बिल्कुल कंघी मत करिए दोस्तों। एक मेरी रिक्वेस्ट है, बहुत ज़्यादा लोग के बाल झड़ते हैं, तो वो इस कारण से भी झड़ते हैं क्योंकि वो गीले बालों में कंघी करने लग जाते हैं। तो गीले बालों में बिल्कुल भी कंघी मत करिए दोस्तों, और सूखे बाल जब आपके बाल सूख जाएं तभी ही आप उन्हें कोम करिए। जी हाँ दोस्तों, तो हम कहाँ थे कि हमें 30 मिनट बाद अपने बालों को धो लेना है, और उसके बाद आपको इन्हें नेचुरली ड्राई कर देना है। हमें अगर आप हेयर ड्राई वगैरह का यूज़ ना करें तो ज़्यादा बेहतर है दोस्तों, आप उसे ऐसे ही नेचुरली ड्राई करने दें, और बालों को सुखाने के बाद आप देखेंगे कि आपके बालों में रेगुलर जब दोस्तों आप इस चीज़ को यूज़ करेंगे, बहुत सारे लोग कई बार ये कहने लग जाते हैं कि मैम हमारा एक बार में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कि दी हमारा एक बार में हमें कोई शाइनिंग हमें दिखाई नहीं दी। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, एक बार में कोई भी शैम्पू भी आप पे मिरेकल नहीं कर देगा, कोई भी ऑर्गेनिक चीज़ भी आप पे मिरेकल नहीं कर देगी, तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है दोस्तों। रेगुलर आप इस चीज़ को यूज़ करें, आपके बालों में नेचुरली शाइन, अंदरूनी शाइन जो होगी, अंदरूनी जो स्मूदनेस होगी दोस्तों वो निकल के। देखिए दोस्तों, आजकल बहुत सारे केमिकल बेस्ड शैम्पू आ रहे हैं, कंडीशनर आ रहे हैं, मेनली कंडीशनर तो केमिकली बेस्ड ही होते हैं, लेकिन मैंने आपको होम रेमेडीज पहले भी बनाई हुई है, दो मैंने आपके लिए वीडियो डाली है कि घर पर कंडीशनर कैसे बनाएं पार्ट वन एंड घर पर कंडीशनर कैसे बनाएं पार्ट टू। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप जल्दी से जाकर इस वीडियो के एंड में देख सकते हैं, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो एंड स्क्रीन होने पर भी आपको वो वीडियो स्विच कर जाएंगी। तो दोस्तों
अगर आप बाहर का कंडीशनर नहीं लगाना चाहते हैं, घर का कंडीशनर लगाना चाहते हैं, तो इन दोनों वीडियो को ज़रूर देखें।